needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic, paramagnetic and a diamagnetic metal respectively. A magnet when brought close to them will किसको अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट और किसको रिपेल करेगी. सबसे पहले तो ये जो डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं इनको मैग्नेट रिपेल करती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ को इनको मूव करा देती है. मतलब ये जो डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं ये रिपेल होते हैं मैग्नेट से हाई से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को. जैसे मैग्नेट है जहां इसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इससे दूर चली जाएगी डायमैग्नेटिक मेटल की जो नीडल है तो उसको तो करेंगे रिपेल. अब पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक मेटल है उनको ये करेगी अट्रैक्ट. अब जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होते हैं इनमें मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप होता है तो इनको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी. पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म कम डेवलप होता है तो उनको अट्रैक्ट करेगी लेकिन वीक. सो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट सो और N3 को रिपेल. N3 क्या है डायमैग्नेटिक तो उसको रिपेल करेगी मतलब और वीकली तो रिपेल N3 रिपेल N3. ये N2 को रिपेल कर रही है तो गलत. N2 को अट्रैक्ट करिए N1 को अट्रैक्ट करिए ये सही है. अट्रैक्ट ऑल ऑफ देम गलत ये गलत. अब अट्रैक्ट N1 एंड N2 स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट N1 स्ट्रॉन्गली N2 वीकली रिपेल N3. बात तो सही है लेकिन यहां पर इन दोनों में डिफरेंस केवल किसका है N1 और N2 दोनों को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी ये नहीं है. फेरोमैग्नेटिक को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी और पैरामैग्नेटिक को वीकली. सो N1 स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड N2 वीकली अट्रैक्टेड. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन.